हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में अभी एक DPT का एक बॉक्स है। मैं आपको DPT के बारे में बताऊंगा। DPT क्या होता है, कहाँ पे लगाते हैं और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, हुबा कंट्रोल का इसका मेक है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है ये। ये इसका मैनुअल है और ये है DPT। DPT का जो फुल फॉर्म है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, बहुत से लोग बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, बट डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर नहीं होता है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, मैं बताऊँ आपको। ये जब हम सेकेंडरी वेरिएबल सिस्टम जहाँ पे होता है, या प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम जहाँ पे होता है, वहाँ पे हम DPT को लगाते हैं। DPT को हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे राइजर के लगाते हैं। जो राइजर होता है, जो बिल्डिंग का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल उसको वहाँ पे लगाते हैं। और ये करता क्या है कि इसमें एक आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई और लो, ये क्या करेगा, हमारे जो सप्लाई का राइजर होता है और जो रिटर्न का राइजर होता है, उन दोनों के बीच के प्रेशर डिफरेंस को सेंस करेगा और जो सेकेंडरी पंप की VFD होगी उसको कमांड देगा कि वो VFD को कितने हर्ट्स पे चलना है। अगर प्रेशर ड्रॉप कम है तो VFD 100% पे चलेगी, इसका मतलब 100% लोड है बिल्डिंग में, क्योंकि पानी जो का सर्कुलेशन पूरे AHU से, FCU से, जितनी भी यूनिट लगी है उससे 100% हो रहा है। तो अब ये क्या है, राइजर में प्रेशर बढ़ता कैसे है, प्रेशर बढ़ता और घटता कैसे है, होता क्या है, आप जब जाएंगे AHU में आप देखेंगे एक टू वे वॉल्व लगा होता है। वो क्या करता है, टू वे वॉल्व, जब AHU में टेम्परेचर रिटर्न एयर सेंसर का जब डाउन हो जाता है, अचीव हो जाता है, तो क्या करता है, टू वे वॉल्व धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। या BMS से अगर हम कमांड देते हैं टू वे वाल्व को, या हम रिटर्न एयर टेम्परेचर को सेंस करके उसको कमांड दे रहे हैं। जैसे जैसे मेरा टू वे वाल्व क्लोज हो जाएगा, AHU में वाटर फ्लो कम हो जाता है। अब क्या है, हमारा सेकेंडरी पंप तो 100% लोड पे चल रहा है, बट अगर AHU में वाटर फ्लो कम हो जाएगा तो मेरा पानी जाएगा कहाँ, चिल्ड वाटर क्लोज सर्किट है, तो वो क्या होगा, चिल्ड वाटर AHU से ना सर्कुलेट होकर वो राइजर में ही रहेगा और वो धीरे धीरे प्रेशर को बिल्डअप करेगा। तो सप्लाई वाले राइजर में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये दोनों पॉइंट, अब होता है ये हाई लिखा हुआ है, ये लो लिखा हुआ है, ये एक क्या करेंगे, कॉपर ट्यूब होगी, कॉपर ट्यूब से यहाँ कनेक्ट करके और एक कॉपर ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट करके इसको हाई साइड राइजर में लगा, हाई डिस्चार्ज सॉरी सप्लाई में लगा देंगे और इसको रिटर्न में कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस सेंस करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसको खोलकर यहाँ पे एक वायर लग जाएगी जो शील्डेड वायर आएगी और ये VFD को सीधे कमांड देगी। अब जैसे जैसे राइजर में प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, VFD हमारी VFD का हर्ट्स कम होता चला जाएगा। मतलब क्या है, बिल्डिंग में AHU में पानी का सर्कुलेशन कम हो रहा है, टेम्परेचर अचीव हो चुका है, तो अब क्या होगा, हमारी VFD जो है 50 हर्ट्ज से 40-45 हर्ट्ज पर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, एनर्जी सेविंग होगी। बस मेनली पर्पस इसका है एनर्जी सेविंग का। एनर्जी सेविंग के लिए हम VFD लगाते हैं और ये हमारा कमांड देता है VFD को। और अब इसमें एक चीज़ और होती है कि अब कौन सी VFD लगी हुई है। आम अमूमन क्या होता है, बिल्डिंग में डैनफोर्स की VFD होती है या ABB की VFD होती है। तो अगर डैनफोर्स की VFD होती है तो एक कंट्रोलर होता है VFD का, जिसमें मास्टर और स्लेव बनाते हैं। और जब ABB की VFD लगी होती है तो उसके में एक कंट्रोल पैनल बन कर आता है, तो उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं वायर और फिर वहाँ से वो कमांड मिलता है VFD को, और फिर VFD जो है अपना फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। तो इस तरह से हमारा ये डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर काम करता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है। राइजर पे जो हमारा सप्लाई और रिटर्न का राइजर होता है, वहाँ पे इसको हम फिक्स कर देते हैं और ये कॉपर ट्यूब से कनेक्ट करके ये सप्लाई में कनेक्ट हो जाएगा, हाई साइड वाला, और लोअर साइड वाला रिटर्न में कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको इसका स्कीमेटिक बता दूँ कैसे ये कनेक्ट होता है।
सपोज कर लीजिए ये आपका प्लांट रूम है और ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है। अब ये प्लांट रूम से आपका पाइप का राइजर निकला और ये आपका सप्लाई का राइजर है, ये रिटर्न का राइजर है और यहाँ से एक एचयू कनेक्ट है। एचयू में रिटर्न हो रहा है और ये सप्लाई हो रहा है। सपोज कर लो ये टू वे वाल जो रिटर्न पे लगा होता है, अब ये धीरे धीरे क्लोज होगा तो यहाँ पे पानी का सर्कुलेशन कम जाएगा। अब जैसे पानी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो बचा हुआ पानी होगा यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करेगा सप्लाई में, तो सप्लाई और रिटर्न के बीच में प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रेशर ट्रांसमीटर को प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को लगा देंगे। एक कॉपर का पाइप इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसका एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और जो इससे वायर निकलेगी वो VFD के पैनल को जाके कमांड देगी, जिससे VFD अपने आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा और जो मेरा पंप होगा पंप की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जिससे एनर्जी सेविंग होगी। मेनली पर्पस ये है। थैंक यू।